पंजाब का हाल भी कोरोना को लेकर बेहद खतरनाक होता जा रहा है। कोरोना का कोहराम पंजाब में भी जारी है। 24 घंटे में 3,451 नए मामले सामने आए हैं और कुल संक्रमितों की संख्या 2,76,000 के पार पहुंच गई है। करीब 2,40,000 मरीज रिकवर हुए हैं, लेकिन करीब 27,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस मौजूद हैं अभी भी पंजाब में। पंजाब से कोरोना को लेकर बड़ी और अहम जानकारी, प्रदेश में 27,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस अभी भी मौजूद हैं। पंजाब में कोरोना का कोहराम अभी भी जारी है। कोरोना के जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटों की बात की जाए तो 3,451 नए मामले सामने आए हैं और अब कुल संक्रमितों की संख्या 2,76,000 के पार पहुंच गई है। 2,40,000 लोग रिकवर हो चुके हैं, लेकिन जो एक्टिव केसेस का आंकड़ा है वो 27,000 संक्रमितों का है, वो पार कर चुका है। पंजाब में कोरोना को लेकर बड़ी और अहम जानकारी पंजाब से। 24 घंटे में 3,451 नए मामले सामने आए हैं और कुल संक्रमितों की संख्या अब 2,76,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना को लेकर पंजाब से बड़ी और अहम जानकारी, प्रदेश में अभी भी कोरोना का कोहराम और आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार लगातार अपील कर रही है कि कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करें। 24 घंटों की बात की जाए तो 3,451 नए मामले सामने आए हैं पंजाब से। कुल संक्रमितों की संख्या 2,76,000 के पार पहुंच गई है। 2,76,000 के पार कुल संक्रमितों की संख्या पंजाब में पहुंच गई है। प्रदेश में अभी भी 27,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस मौजूद हैं।